हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, आयोनाइजेशन। बेसिकली एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, वो हमने एक डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। सो ये उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बोर्ड पे, आयोनाइजेशन का कैटेगराइजेशन मैंने किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली आयोनाइजेशन दो टाइप्स के होते हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। आयोनाइजेशन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग अप ऑफ आयंस, मींस एक तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा और एट द साइमल्टेनियस टाइम वहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सो वो दो टाइप से होता है, एक प्राइमरी आयोनाइजेशन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी आयोनाइजेशन। Then again primary ionization is divided into two parts, ionization by collision and photoionization, clear? Then यहाँ पे हम आते हैं secondary ionization। So secondary ionization जो होता है वो due to ये तीन parts की वजह से होता है, due to positive ions bombardment, means due to positive ions, then due to photons और ड्यू टू मेटास्टेबल एटम्स। तो ये सब को हम क्या करेंगे, वन बाय वन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम ये फर्स्ट प्राइमरी आयोनाइजेशन क्या होता है उसमें ये आयोनाइजेशन बाय कोलिजन ये कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो प्राइमरी आयोनाइजेशन प्रोसेस है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ प्राइमरी आयोनाइजेशन। प्राइमरी आयोनाइजेशन में हमारा क्या है, आयोनाइजेशन बाय कोलिजन। तो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो आप, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है। वही डायग्राम है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, आयोनाइजेशन तो होता है बट किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। अब ये कोलिजन किस में होगा, यानी टकराव किस में होगा, तभी ये फॉर्मेशन बनेगा, तभी आयोनाइजेशन होगा, स्प्लिटिंग अप ऑफ आयंस होगा। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे जो कैथोड प्लेट है, यहाँ पे एनोड प्लेट है, ओके। तो जब भी हम इसे वोल्टेज सोर्स, इसे वेरिएबल, ये क्या है आपका डीसी सोर्स, वेरिएबल, ओके डीसी, यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे बी डीसी लिखता हूँ, ठीक है, बी डीसी वेरिएबल डीसी सोर्स, ठीक है। तो जब भी मैं इससे सप्लाई को इस दोनों प्लेट, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके अक्रॉस जब भी कनेक्ट करूँगा, सो डेफिनेटली हमने क्या होगा, करंट भी स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो जब भी करंट स्टार्ट होगा इस सर्किट में से, तभी यहाँ पे होगा क्या, ये जो कैथोड प्लेट है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये करंट इस पे जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस कैथोड प्लेट विल स्टार्ट्स टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स, टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी हुआ है कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ठीक है, एटम। सो दिस विल गिव्स यू व्हाट विल हैपन, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कैथोड में प्रेजेंट है, ठीक है, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो एटम है, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स देगा, दैट इज लिबरेटेड, ओके, लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हमें क्या देगा, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस देगा। सो ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। सो यही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके साथ क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे, ठीक है, उनका टकराव होगा, उनका कोलिजन होगा, और तभी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का स्टिमुलेशन होगा, कहाँ पे, ये कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट पे पॉजिटिव आयंस का स्टिमुलेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो यही कंसेप्ट है आयोनाइजेशन बाय कोलिजन में।
ठीक है। अब ये पूरा जो सेटअप है वो हम एक ग्राफ की ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि बेसिकली इसमें होता कैसे है, करंट कभी इंक्रीज होता है वगैरह जो भी है वो हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स वोल्टेज वर्सेस टाइम, ठीक है। सो हम ये आयोनाइजेशन का कोलिजन ये इसी ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझते हैं। सो जो भी हमारा प्रैक्टिकल सेटअप था या फिर हमने डायग्राम देखा था अभी थोड़े टाइम पहले, ठीक है। सो वहाँ पे होता क्या है, जब भी हम वोल्टेज जो हमारे कैथोड प्लेट्स है, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है उनके अक्रॉस जब हम वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, सो जब भी हम वोल्टेज स्टार्ट करते हैं उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को देना, मतलब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, सो वहाँ पे डेफिनेटली होगा क्या, करंट भी इंक्रीज होगा एज पर ओम्स लॉ, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एज पर वोल्टेज इंक्रीजेस करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हाई, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओके। सो दिस ओम्स लॉ, ये क्या हो रहा है, जो ओम्स लॉ है वो जीरो से लेकर ए तक हमें दिख रहा है, ओके, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ भी यही है, ओके। एज द वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इज ऑल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीजेस, ठीक है। सो ये ओए हमें क्या दिखा रहा है, ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। देन अभी क्या होगा इसके बाद, इसके बाद बेसिकली जब भी हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे आफ्टर पॉइंट ए, आफ्टर पॉइंट ए जब हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है करंट भी ऑल्सो इंक्रीजेस, करंट तो इंक्रीज होना ही है बट वो क्या करेगा, थोड़ा कम अमाउंट में इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब कम अमाउंट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सपोज ये वोल्टेज का अगर जो इंक्रीज होने का स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये करंट का कितना रहेगा, लेट अस अस्यूम कि 1 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ओके। सो यही यहाँ पे फॉलो होगा, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज तो जैसे हम इंक्रीज करेंगे आफ्टर पॉइंट ए, करंट ऑल्सो इंक्रीजेस बट लेस रैपिडली, लेस रैपिडली, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। और एक पॉइंट ऐसे आएगा जहाँ पे इवन आप अगर वोल्टेज इंक्रीज भी करते हो, इवन आप अगर वोल्टेज इंक्रीज भी करते हो तो आपका जो करंट है वो बढ़ भी नहीं रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो ये आपको ये दिखा रहा है लाइन, ठीक है, दैट करंट इज नॉट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इवन आफ्टर इंक्रीजिंग वोल्टेज, क्लियर। सो यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है, सो अप टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे हम कहेंगे सैचुरेशन कंडीशन। क्यों सैचुरेशन, क्योंकि आप वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हो बट आपका करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज अभी नहीं हो रहा है, सो दिस पोर्शन कॉल्ड अस सैचुरेशन रीजन। सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ पोर्शन ए बी सैचुरेशन, ओके। और ये सैचुरेशन रीजन के अंदर जो करंट है उसी को हम कहेंगे सैचुरेशन करंट, इट गिव्स यू सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। आया समझ में, ओके। अभी पॉइंट बी देखो, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे जब भी हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ये पॉइंट से आगे, पॉइंट बी के आगे, तो जब भी हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ये करंट भी इंक्रीज हो रहा है बट ये कैसे मैनर में इंक्रीज हो रहा है, ये अभी मोर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, मीन सडन स्पाइक्स आ रहे हैं करंट्स में, ठीक है। तो जब भी वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है अभी करंट का स्पीड दुगना होगा, ठीक है, तो ये करंट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो एक पॉइंट ऐसे आएगा, सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये जो मटेरियल था हमारे पास गैसियस मटेरियल जो हमने दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पुटअप किया था, ठीक है, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा उस गैसेस मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि बी सी, फ्रॉम बी टू पॉइंट सी, यहाँ पे क्या होता है, बी सी दिस इज
क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी ब्रेकडाउन विल स्टार्ट, ठीक है, उस गैस मॉलिक्यूल का। तभी तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज खत्म कर देगी और वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो एट पॉइंट सी व्हाट हैपेंस, करंट इज हायर। सो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एट पॉइंट सी ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, ठीक है, ब्रेकडाउन हैपेंस या फिर अपर्स। क्लियर है ये पॉइंट? सो यही हमें ग्राफ के थ्रू हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। सो अभी ये ब्रेकडाउन होने के बाद जो वोल्टेज पे वो ब्रेकडाउन हुआ है, अभी सपोज ये वोल्टेज है, सपोज ये 2 वोल्ट है, ठीक है। सो ये 2 वोल्टेज पे अगर ब्रेकडाउन हुआ है दैट मींस इसे हम कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही ग्राफ है जो कि हमने आयोनाइजेशन बाय कोलिजन के थ्रू समझ गए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है वो शो करना स्टार्ट करेगा। क्यों शो करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा दैट मीन्स वहां पे करंट एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।